Has taken to the streets, launching their nationwide tractor procession on the highways to reiterate their demands for a legal guarantee, for a minimum support price for all crops, and a debt waiver for the farmers. The farmers are demanding the agricultural sector should be removed from the WTO agreement while stating that this is a peaceful protest. ट्रैक्टर देखिए लंबी कतारें हैं ट्रैक्टर्स की जिनको लेकर किसान पहुंचे हैं अलग अलग जो किसानी संगठन हैं उनसे जुड़े तमाम जो किसान हैं अपने, अपने अपने संगठन के बैनर लेकर झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक सिंबॉलिक तौर पर विरोध स्वरूप ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है हाल ही में हरियाणा के चाहे मुख्यमंत्री हों या दूसरे नेता हों उन्होंने कहा था कि नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर नहीं चलना चाहिए तो उसी बात का विरोध में एक तरीके से ये जो ट्रैक्टर मार्च है ये अब निकाला जा रहा है तस्वीरें तो हम दिखाना चाहेंगे लंबी कतार है ट्रैक्टर और ये जो काफिला है ये और बढ़ता जा रहा है क्योंकि आसपास के गांव के जो तमाम किसान हैं वो और यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ आज जो किसान हैं वो डब्लू का पुतला भी फूकने जा रहे हैं और कुछ किसान हैं हमारे साथ उनसे बात कर रहे हैं क्या नाम है जी आपका मोहन सिंह मोहन सिंह जी क्या विरोध कर रहे हैं आज आप लोग किस लिए सड़क पर आए ट्रैक्टर लेकर हम कर रहे हैं विरोध बीजेपी का जब किसानों ने अपने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया तो हरियाणा सरकार ने बैरिगेड लगा दिए किले लगा दी भी जिम्मेदार हरियाणा में ना एंट्री कर सकेंगे तो उसके विरोध में आप लोग कर रहे हैं हाँ जी, जी, जी आ, क्या आज का कार्यक्रम रहेगा किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप लोग ये हमारा एस के एम का भारत का फैसला था भाई हम ना जो मोदी को ट्रेलर दिखाने हैं अगर कोई भी धक्का किसानों से किया और हमारी मांगे ना मानी तो हम ये ट्रेलर दिखा रहे हैं आज भी ये ट्रैक्टर दिल्ली भी जा सकते हैं कभी भी All right, now we'll continue to track all of the developments on the ground there. But with this, we're going to be heading into a very short break. Do stay tuned. We'll be right back with more.